अब बाल बना रहे थे ना, हमने देखो कितने सारे बाल काट दिए इतने सारे बाल काट दिए गाइस हमने। मम्मी को कुछ नहीं होता, मम्मी को तो चलेगा बहुत मारेगी, मम्मी बहुत डांटेगी। ये देखो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सैनी व्लॉग 15 चैनल में। और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, है ना। सुबह हो चुकी है और सामने मोर भी हैं बहुत सारे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और फ्रेश वगैरह हो गए सब। और आज हमारे नाश्ते में क्या बनाया है? काली दाल की खिचड़ी, है ना। जाड़ों में काली दाल की खिचड़ी कितनी अच्छी होती है ना, आपको पता ही होगा। और साथ में उसके साथ कच्चा दूध हो जाए, मतलब कच्चा दूध मतलब कि जैसे भैंस के नीचे से तभी निकाला, पकाया नहीं, और तब इतनी जोर की लगती है ना खिचड़ी, लेकिन पका हुआ दूध है ना। तो फिर हम आपको दिखाते हैं काली दाल की खिचड़ी। नाश्ते में तो हमारी यही चलेगी। और अब ये खिचड़ी खाने के बाद हम बनाएंगे साग, चने का साग, है ना, चावल की रोटी। आजकल बहुत चने का साग खा रहे हैं हम नए है ना, तो इसलिए मन करता है। तो फिर बिस्की बैठी हुई है, हम आपको अभी दिखाते हैं सबको, ठीक है। ये देखो बिस्की के हाल, यहाँ पे बैठी हुई है। बिस्की को अब हम दूध पिलाएंगे। बिस्की का मुंह वगैरह हमने सब धुल दिया है। और ये है हमारा चने का साग, चने का साग और पालक, है ना। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। और ये हमारी खिचड़ी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। घी लिया, थाली लिया अपने पापा के। तो हम जा रहे नीचे फटाफट घी थाली लेने के लिए, है ना। तो चलिए फिर। ये देखो यहाँ पे सिब्बू आटा गूंद रही है, ये देखो गेहूं का आटा गूंद रही है सीमा। और मम्मी ने क्या मंगाया था, घी, घी तो इसमें है। और क्या मंगाया था गाइस? देखो यहाँ पे हमारी नमकीन है और हम नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे पापा, यहाँ पे ये हमारी चाय है। खिचड़ी अभी बनी नहीं है, बड़ी देर लगा हुआ है। देखो सिब्बू ने ना उसकी बिस्की की ना स्वेटर बना दिया है ना। एक तो स्वेटर पहन रखी है बिस्की ने और दूसरी बनाई है। और यहाँ पे भाई कर रहे हैं नाश्ता। तो फिर हमारा काम पड़ा हुआ, नाश्ता सबने कर लिया, बस भाई बच रखे और हम बर्तन वगैरह धुलते हैं, है ना। तो मम्मी खा रही है, यहाँ पे सिब्बू बना रही है। हमने कल दोपहर साग बनाया था चने का, आजकल साग हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और अब छोका है हरी प्याज से, है ना, और चावल की रोटी साथ में। तो नाश्ते में हमारी चाय और साग रोटी है। और भी इसकी तो नीचे सोरिया भी उठी नहीं है वो, तब हम भी नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है। और आज हमें खेत में जाना है, मिलता है आपको आगे। तो गाइस हम नाश्ता करके आगे ऊपर से, है ना। और विस्की भी उठ गई है, उसको दूध वगैरह पिलाना है। और जो भाई की डाइटिंग का वो है चने वगैरह ना, ये मेरे को साफ करने और प्याज व्याज काट के रखनी है, भूनने है, मतलब फ्राई करने है। तो भाई ऊपर रनिंग करके आगे एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम फटाफट से काम फाइनल करते हैं। देखो गाइस हमने पूरा सामान नीचे पहुँचा दिया है ना। जो हमारी सब्जी वगैरह बनी थी वो सब बन गई है। भाई लेके चले गए खेत में पापा के लिए, है ना, क्योंकि दिन में तो आएंगे नहीं, है ना, सीधा शाम को आएंगे, तब दिन में वहीं पे खाएंगे। और अब हम अपना काम फाइनल करते हैं। देखो यहाँ पे कितनी लकड़ी वकड़ी पड़ी है, पूरा छत में पूरा कूड़ा हो रहा है भाई, देखो कितना गंदा वाला है ना। तो ये सब पूरी छत घिर रही है, तो अच्छे से रखनी है ना, सब सामान अच्छे से रखना है, जमा के एक जगह एक तरफ को। तो मैं भी ये लकड़ी तोड़ रही हूँ, है ना, ये लकड़ी पूरी एक एक गड्ढी बनाकर साफ करके तब यहाँ पे झाड़ू लगा के तब रखनी है, बाकी इधर जगह खाली हो जाएगी, है ना। और सिब्बू बर्तन वगैरह ले जा रही है, बर्तन धुलेगी, अपना काम फाइनल कर रही है। मैं अपना काम फाइनल करती हूँ, मुझे यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगानी है, राख उठानी है, चौका लगाना है। और यहाँ पे बिस्की बैठी हुई है हमारी, है ना, ये बैठी हुई। तो फिर हम अपना काम फाइनल करते हैं फटाफट से, है ना। धूप भी बहुत अच्छी हो रही है। ये देखो गाइस यहाँ पे सिब्बू बर्तन धुल दिया है, मतलब है ना, बस एक भगोना बच रखा है उसे साफ कर रही है। काले बर्तन है तो टाइम लगता है घिसने में, हाथ नहीं बर्तन चलिए छोटा काला काला। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो कूड़ा है ही नहीं, तो झाड़ू लगाएंगे ना। ऊपर देखते हैं, हमने एक गड्ढी तो लकड़ी निकालती है, मम्मी निकाल रही है, क्योंकि हमारे हाथ में ना लकड़ी लग गई थी, तब हमने नहीं, हमारा हमसे नहीं हो रहा, तो मम्मी कर रही है। ये देखो है ना, तो यहाँ पे साइड कर दी, एक तरफ जमा दी है, हमारी विश्व यहाँ सो रहा है ना। धूप धूप ज्यादा कैड़ी हो रही है ना। मम्मी ने गर्म कपड़े पहन रखे, तो मम्मी को गर्मी लग रही, तो फिर करते फटाफट से। तो गाइस हमने पूरा काम कर दिया है ना, और मतलब झाड़ू वगैरह छत पूरी साफ कर दी, हम आपको अभी दिखाते हैं ना। और अब फटाफट से हम नहाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है हमको। तो तब तो मिलते हैं आपको आगे, ठीक है। ये देखो पूरा यहाँ से कितनी लकड़ी लकड़ी हो रही थी ना, पूरा हमने एक तरफ रख दिया है ना, वहाँ तक।
और ये देखो पूरी छत हमने खाली कर दी, बिल्कुल साफ है ना, सब एक तरफ जमा दिया सामान को। ये देखो ये विस्की बैठी हुई है और यहाँ पे मम्मी लेटी हुई है। तब यहाँ पे देखो पूरी छत खाली होगी, यहाँ पे मम्मी का पानी गर्म हो रहा है। नीचे हमारा कर लिया, हमने कर लिया अपने लिए राड से, मम्मी यहाँ चूल्हे पे कर रही हैं। बाकी पूरा देखो बढ़िया हो गया छत है ना, पहले से तो अच्छा ही है, पहले कितनी जगह घेरी थी है ना। और ये थोड़ा हमने पन्नी इसलिए लगा रखी है, वो हो रही थी ना धूप आ रही थी ज़्यादा तो छाँ कर लिया। तो तब हम फटाफट से मिलते हैं आपको आगे। ये देखो गाइज हमारे विस्की के हाल, अभी पता है बैठी बैठी सो रही थी, अब पता नहीं क्या देखने लगी उधर। तब तक हमने कैमरा खोला तब तक पता नहीं क्या देखने लगी, वरना अभी बिल्कुल नीचे बैठी बैठी सो रही थी, उस पर दीवार पे मुंह रख लेता ऐसे करके सो रही, नीचे मुंह करके ऐसे बैठ रखी है। देखो गाइज अब हम नीचे आ गए हैं ना, नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया, भाई और पापा चले गए खेत में और मम्मी दाल लेने के लिए जा रखी दुकान में, क्योंकि आज हम उड़द की दाल बनाने वाले थे लंच में। तो मम्मी बोल रही कि तभी दाल थोड़ी है, राजमा ज्यादा हो रहा है, तब देखने गई है मम्मी। ए आ गई, तब मम्मी देखने गई है दुकान पे मिल जाएगा तो उड़द है ना, मिल जाएगी जब उड़द तो इसलिए। और हम अब क्या करेंगे, बहुत सारा काम है यहाँ पे, देखो कपड़े वगैरह ऐसे फैले हुए, पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है, पूरे नाश्ते के बर्तन धुलने हैं, यहाँ पे पूरा साफ करना है। और यहाँ से जो हमारा ये चूल्हा रखा था मम्मी ने उठा के ऊपर रख दिया है ना, यहाँ से पूरा मिट्टी मिट्टी हटानी है, पूरा धोना है यहाँ पे, फिर मुझे नहाना है, आज बृहस्पतिवार है, प्रसाद भी चढ़ाना है साईं बाबा के आगे है ना। तब हम फटाफट से काम करते हैं, तो आप देखते रहना ठीक है। देखो गाइस हमारा लंच बन चुका है, उड़द चावल है ना, और जो उनसे हमारा काम था वो हमने पूरा कर दिया, यहाँ पे पूरा धुला हमने, कुल मिला के हमारा काम फाइनल हो चुका है। और बस हमें अब नहाना है ना, पानी हमारा हो गया है, तो हम सोच रहे कि पहले लंच कर लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है, थक गए थे ना, तब खाना खाने के बाद तब हम नहाएंगे ना। मम्मी यहाँ पे कर रही है लंच, वहाँ पे सीमा है ना विस्की ऊपर सो रही है छाया में, तो फिर हम काम करते हैं और अपना। गाइज अब हमारा सब काम हो चुका है ना, और हम नहा लिए थे और फिर हम अब बाल बना रहे थे ना, हमने देखो कितने सारे बाल काट दिए इतने सारे बाल काट दिए गाइज हमने, मम्मी को कुछ नहीं होता, मम्मी को तो चले ना बहुत मारेगी, मम्मी बहुत डांटेगी। ये देखो और हमने फटाफट से ना आगे मम्मी देखा हमने तेल लगाया और पूरा सपाट कर लिया पीछे से, इतनी इतनी जो है ना ये आगे आगे के इतने इतने ये हमने काट दिए हैं जी। ये देखो पीछे दिख रहे हैं ना ये कटे हुए, ये ना तो हमने इतने इतने काट दिए हैं अपने बाल और इतने इतने काट दिए हैं। ये देखो बहुत मलाल आ रहा देख के, कितने लंबे लंबे बाल काट दिए मैंने, पूरा ऐसा था ये ऐसे इतनी लंबी चुटिया थी नीचे तक, ये देखो आगे के बाल है ना मेरी चुटिया है ना। अब हम इसको ना कहीं छिपा देते हैं, कहीं पे बाहर पे कहीं भी हम छिपा देंगे ताकि किसी को पता ना लगे, मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए, मम्मी बहुत डांटेगी वरना तो है ना। तो फिर फटाफट से पहले ये छिपा देते हैं और तो मिलता है आपको आगे। तो गाइज हमने वो तो छिपा दिए हैं है ना, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है मम्मी फिर डांटेगी ना, बहुत ज़्यादा डांटेगी मम्मी हमें, तो इसलिए शुरू शुरू में हमने एकदम एकदम, वरना मैं दिखाती हूँ आपको है ना कितने सारे बाल काट रही मैंने है ना, यहाँ से दिखाती कैसे लग रहे कटे हुए, लेकिन फिर मैंने ना डर के मारे जल्दी जल्दी बांध लिए बाल, पीछे को तेल उल लगा कर अच्छे से सपाट कर दिया, चिमटी उमटी लगा ली, बिल्कुल मतलब छिपा दी कटे हुए बाल है ना, इसके अच्छे से काटे हमने, ये कपड़ा काटने की कैची इससे काटे, बहुत मस्त कटिंग करी मैंने, ऐसे ऐसे यूँ करके ना तिरछी करके काटी मैंने ऐसे खच 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 है ना। तो फिर हम अब हम टोपा ओढ़ लेते हैं फटाफट से है ना, किसी को पता नहीं लगेगा, बस अगर मम्मी ने ध्यान दे लिया ना तो उस दिन ध्यान देगी, जिस दिन हम बाल खोल लेंगे है ना, हम जब बाल धोलेंगे ना तब ध्यान दे सकती हूँ मम्मी, वरना तो पता नहीं लगेगा मम्मी को। तो फिर ऊपर है सिब्बू और मम्मी भी ऊपर है ना, रोटी सेक रहे हैं वो, और विस्की यहाँ पे सो गई है, तो फिर हमने तो खाना खा लिया था, अभी भूख नहीं है, वही है दिन की उड़द और चावल, चावल तो कोई नहीं खाएगा अब ठंडे है ना, ऊपर रोटी सेक रही है चावल की, अब उससे खाएंगे सब, अभी भाई और पापा मार्केट में है तब आ जाएंगे ठीक है। फिर मिलते हैं आपको गाइस, आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर कमेंट करना है ना, और अपना ख्याल रखना, मिलता है आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।